पंजाब में नया गैंग वॉर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जो कभी साथ थे अब दुश्मन बन गए हैं। तरन तारण जिले के गोइंदवाल केंद्रीय जेल में गैंग वॉर में दो गैंगस्टर्स की मौत हो गई है। इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली है। जिस गैंग के दो गुर्गों की मौत हुई है वो जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया के साथ जुड़े थे। जग्गू भगवानपुरिया कभी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी हुआ करता था और गोल्डी बराड़ भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही है। इसी कारण अब पंजाब में गैंग वॉर के नए दौर के शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो गुर्गों की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर लिखा कि उनकी मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप लेता है। लॉरेंस बिश्नोई इस समय जेल में है जबकि गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा है। एक बात ये भी है कि गोइंदवाल जेल में जिन दो गुर्गों की मौत हुई है वो जग्गू के शार्प शूटर थे और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी भी। पिछले साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जरा समझिए कि कैसे हुई गैंग वॉर, कैसे हुई तीनों दोस्तों में दुश्मनी। रविवार को दोपहर 3 बजे के आसपास आरोपी आपस में भिड़ गए। इसमें से दो की मौत हो गई जबकि एक बुरी तरह घायल हो गया। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि किसी बात पर आरोपियों के बीच झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने एक दूसरे पर बर्तनों और लोहे की छड़ों से हमला कर दिया। पुलिस ने साथ ही ये भी बताया कि दोनों मरने वाले जग्गू भगवानपुरिया गैंग के मेन शूटर थे। दोनों मृतक और एक घायल आरोपी तीनों के तार सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया गैंग पंजाब में जाना पहचाना नाम है। वो कई खिलाड़ियों और कबड्डी लवर्स के लिए यूथ आइकन है। उसे पंजाब का सुपाड़ी किंग भी कहा जाता है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का जाना माना अपराधी है और पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रह चुका है। अपने कारनामों की वजह से उसका जेल में आना जाना भी लगा रहता है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, लूटपाट और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। गोल्डी बराड़ भी लॉरेंस की गैंग का ही है। पंजाब में गैंगस्टर्स के बीच बदला लेने की होड़ मची रहती है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी फिल्म में होता है। एक गैंग का आदमी दूसरी गैंग के आदमी को मारता है और फिर बदला लेने के लिए दूसरी गैंग का आदमी पहली गैंग के आदमी की हत्या करता है। सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लॉरेंस गैंग की अब तक लड़ाई बम्बीहा गैंग से चलती थी, लेकिन अब लॉरेंस गैंग की लड़ाई जग्गू भगवानपुरिया गैंग से भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब पंजाब में गैंग वॉर का ट्रायंगल भी बनने का खतरा है। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई तो साथ हैं, लेकिन जग्गू भगवानपुरिया अलग हो गया है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ड्रग्स की तस्करी को लेकर भी जग्गू को धमकाया है, साथ ही उसके दो गुर्गों की हत्या की भी जिम्मेदारी ली है।